जय जय कृष्ण जी महाराज की जय जय भी जय बाबा जय भी जय सभी सात संगत के चरणों में निवेदन है कि जो इधर उधर बैठे हुए हैं वो कृपया करके सत्संग पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने हमारे समाज को सत्संग रूपी वृक्ष दिया, जिसकी छाया में हमारा पूरा समाज बैठा और तरक्की की राह पर चला। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि इस सत्संग रूपी वृक्ष पर नई कुंपले आना कम हो गई है। हर गांव में यही हाल है। आप कहीं पर भी नजर उठाकर देख लीजिए, जो मेरे समाज की युवा पीढ़ी है, जिसके स्कंधों पर समाज का कार्यभार है और वो समाज को आगे ले जाने का कार्य करेगा, वो कहीं ना कहीं इस सत्संग रूपी गंगा से दूर रहता है। और आज के आधुनिक युग में मशगूल हो गया है, इन संतों की विचारधारा से दूर जा रहा है और आज की आधुनिक दुनिया में ही मशगूल है। ज्यादातर देखने में आ रहा है कि जिन गांवों में सत्संगियों के मेले लगते थे, हर गांव में 10-10-20 साध होते थे, आज वहां पर जो हमारे पुराने साध जी हैं वही देखने को मिलते हैं। वहां के युवा सत्संग की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रहे, जो एक चिंता का विषय है। अगर यहीं पर इसी जगह सत्संग के बजाय जागरण का प्रोग्राम होता या किसी नाचने वाली का कार्यक्रम होता तो सबसे ज्यादा भीड़ मेरे समाज के युवाओं की होती। अब तो काम भी बंद है, लेकिन फिर भी मेरे समाज का युवा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। बाहर से आए सात संगत, बड़े बुजुर्ग और मातृशक्ति यहां पर नजर आ रही है। अगर मेरे समाज के युवा इसी प्रकार से संतों की विचारधारा से दूर रहे तो फिर से कहीं ना हमें वो दिन देखने पड़ जाए जो इन संतों से, गुरुओं से पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने झेला है। तो एक भजन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें हमारे ही देश में लाचार और गुलाम बना दिया गया। जिस देश के हम राजा हुआ करते थे, मद मदिरा के चक्कर में डालकर हमारे समाज को वहीं पर गुलाम बनाकर रख दिया गया। मेरा खासकर के नौजवान साथियों से निवेदन है, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चाहे आप घर पर खाट पर ही क्यों ना लेटे हो, तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं फिर से हमें वो दिन न देखना पड़ जाए। किस प्रकार के दिन थे सुनिएगा। Thank you.
जमीदार तेरे दिल में, जमीदार तेरे दिल में, करता दमन पानी, रब जान कर भी अपने करता है आदानी, बाजार बहन दोस्त जगह थी, लेकिन मेरे समाज को गांव से बाहर बस्ती बसाकर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। कि आप भी फिर से वही जीवन जीना चाहते हैं? और कैसा था? वस्त्र नहीं कतन पर मरता खतू चढ़ाया, भूखा रहा हमेशा, कभी पे बच्चा सोता रहता था सुबह के 3
चार बजे बाप घर से निकल जाता था मेहनत मजदूरी करने के लिए, और जब रात को बच्चा 10-11 बजे सो जाता था तब कहीं आकर घर में घुसता था। बच्चे को यही नहीं पता होता था कि मेरा बाप कौन है। आज तो इन महापुरुषों की बदौलत छोटे से छोटे बच्चे को पता है मेरा बाप कौन है। और कैसा क्या क्या महापुरुषों ने हमारे लिए ऐसा
के भूला जिसने तुझे जगाया, खतरे में डाल जीवन जालिम से तुझे बचाया। दूसरों को बाप कहते हैं। सतनाम सच्चाई जय हो।